स्वागत है आपका हमारे चैनल भारतीय नॉलेज पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, गंगा एक्सप्रेस वे एक बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है यूपी के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी का। इसके तहत 594 किलोमीटर लंबा एक 6 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनाना था। सबसे बड़ी बात यह कि ये ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनना था, इसी के ऊपर काफी सारे अपडेट्स निकल के आ रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि ये जो एक्सप्रेस वे है, ये बिजौली गांव जो कि मेरठ में है, वहां से शुरू होकर प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट तक जाना था। इसके ऊपर कुछ अपडेट्स निकल के आ रही हैं जो कि है लैंड एक्विजिशन को लेकर, क्योंकि फिलहाल में जो काम चल रहा है वो सिर्फ लैंड एक्विजिशन को लेकर चल रहा है। और यहां पे मैं आपको 3 अपडेट बताऊंगा जो कि सिर्फ और सिर्फ इस मंथ की होगी, 1 जून से लेकर 15 जून के बीच में ये सारी अपडेट्स आई हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो पहली अपडेट निकल के आ रही है वो अमर उजाला न्यूज़पेपर के थ्रू आ रही है, और उसमें ये बताया जा रहा है कि 674 हेक्टेयर जो लैंड है वो उन्नाव डिस्ट्रिक्ट जो कि यूपी के अंदर है वहाँ पे काफी ज्यादा तेजी से काम चल रहा है, और 674 हेक्टेयर लैंड को एक्वायर कर लिया गया है। हमारे जो टॉप ऑफिशियल्स है उनके थ्रू ये बताया गया है, और इसके लिए 130 करोड़ जो रुपए है वो दे दिए गए हैं किसानों को। काफी अलग अलग किसानों को 130 करोड़ रुपए बांटे गए हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक काफी बैड न्यूज निकल के आ रही है, और उसमें ये बताया गया है कि अभी जो 400 हेक्टेयर और जमीन को एक्वायर करना था उसका काम रुका हुआ है। वो क्यों रुका हुआ है, उसके पीछे मेन कारण ये बताया जा रहा है कि उन जो यूपी एडा है उससे मांग की गई है कि हमें 300 करोड़ एक्स्ट्रा पैसे दिए जाए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अब 50 लाख रुपए ही बचे हैं और उसमें 400 हेक्टेयर लैंड को एक्वायर नहीं किया जा सकता। उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के जो मैनेजमेंट है उन्होंने ये मांग की है कि अगर आपको 400 हेक्टेयर लैंड को जल्दी से एक्वायर करना है तो आपको 50 लाख जो हमारे पास बैंक अकाउंट है उसमें 300 करोड़ एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अभी फंड की बहुत ज्यादा कमी है। तो ये पहली अपडेट है अमर उजाला की 2 जून की। दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दूसरे अपडेट की, तो दूसरी अपडेट आ रही है मेरठ से, और ये अपडेट है 7 जून 2021 की, और ये अमर उजाला के माध्यम से आ रही है, और यहाँ पे काफी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है। इसमें बताया जा रहा है कि मेरठ में लैंड एक्विजिशन का काम तो पूरा हो ही चुका है, साथ ही साथ इसमें जो अब पैसे जो दिए जा रहे हैं उसका काम भी शुरू हो चुका है। जैसे ही लैंड एक्वायर किया जा रहा है मिनिमम 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर पेमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी जा रही है, ताकि जो किसान है उनके अंदर किसी भी टाइप का भ्रम ना पैदा हो। और ये आप देख सकते हैं अमर उजाला में ही लिखा हुआ है कि मेरठ में जो 23 किसान थे उनको 15.27 करोड़ का जो मुआवजा था, जो उनको देना था वो देना शुरू हो गया है, और काफी सारे किसानों के बैंक अकाउंट में आ गया है। तो जो दूसरा अपडेट है काफी ज्यादा पॉजिटिव है, मेरठ से जो लेकर ये न्यूज आ रही है काफी ज्यादा पॉजिटिव है। दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूं कि जो ये गंगा एक्सप्रेस वे टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट से पास होना है उत्तर प्रदेश का, और अगले ही महीने इसका उद्घाटन भी होना है। जो श्री योगी आदित्यनाथ जी है ये इसका भूमि पूजन करने वाले हैं, तो इसीलिए काफी ज्यादा तेजी से काम किया जा रहा है। ये करा जा रहा है कि आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर इसका 82% काम पूरा हो जाए लैंड एक्विजिशन का, ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तीसरे और आखिरी अपडेट की, तो इस ये जो अपडेट है ये 10 जून 2021 की है, और ये भी मेरठ से निकल के आ रही है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो जितने भी बड़े बड़े ऑफिशियल थे वो लोग आए थे और मीटिंग कर रहे थे कि किस तरीके से आगे के लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को स्टार्ट किया जाए, कितने किसानों से बात करनी है और कितना फंड इसके लिए चाहिए होगा। इन सारी चीजों पर एक चर्चा हुई, और इसमें यह पता लगाया कि 181 हेक्टेयर जो लैंड है उसको एक्वायर करना है, जिसमें से 93 हेक्टेयर लैंड को एक्वायर कर लिया गया है, अब 87 हेक्टेयर लैंड को एक्वायर करना बाकी है। तो इसमें बताया जा रहा है कि मेरठ के 474 किसानों से भी बात चल रही है, और उसके लिए फंड को भी रेस किया जा रहा है। फंड को रेस करने के साथ साथ इस मीटिंग में यह भी डिसाइड हुआ है कि कितने किसानों को कितने पैसे देने चाहिए, सर्कल रेट से कितना ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, इन सारे मुद्दों पे यहाँ पे बात हुई है। तो दोस्तों, ये था हमारा 3 अपडेट। अगर मैं आपको इन जनरल बता दूं तो जो ये हमारा एक्सप्रेस वे है, ये 6 लेन एक्सप्रेस वे है, जो कि बाद में इन फ्यूचर ये भी बताया जा रहा है कि अगर इस पर ट्रैफिक ज्यादा होता है तो इसको 8 लेन में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे है, ये तो इसका पहला फेज है। ये भी बताया जा रहा है कि इसका सेकेंड फेज भी है, लेकिन वो अभी बना नहीं है। उसमें ये डिसाइड किया गया कि इसको प्रयागराज से आगे बिहार तक ले जाने का प्लान है, और तो और तब इसकी पूरी की पूरी जो एक लेंथ है वो 800 किलोमीटर तक भी हो सकती है। लेकिन अभी उसके ऊपर ज्यादा अपडेट आई नहीं है, क्योंकि वो एकदम पूरी तरह फ्यूचर प्लान पे डिपेंड करता है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो अभी 7800 हेक्टेयर लैंड को एक्वायर करना, जिसमें से 3100 हेक्टेयर लैंड को एक्वायर कर लिया गया। और जो पिछला अपडेट है, जो अभी सबसे लेटेस्ट है, वो गुरुवार का है, उसमें यह बताया जा रहा था कि हापुड़ और बुलंदशहर में भी इसका काम शुरू हो चुका है, जिसके लिए 327 करोड़ रुपए को आवंटित कर दिया गया। यहां पे मैं बता दूं कि 37,350 करोड़ रुपए का ये पूरा बहुत ही बड़ा मैसिव प्रोजेक्ट है, जिसमें से 9,500 करोड़ जो रुपए है वो सिर्फ और सिर्फ जमीन को एक्वायर करने के लिए रखा गया है, और बाकी बचे 24,091 करोड़ रुपए जो है ये सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और जितने भी वर्किंग साइट्स पे काम होंगे उसके लिए रखा गया है। तो ये काफी ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है, और इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2019 में, और ये बताया जा रहा है कि 2024-25 तक इसको खत्म करने का टारगेट रखा गया है, लेकिन कोरोना की वजह से जरूर ये डिले हुआ है। और ये बताया जा रहा है कि इसमें 1 साल का डिले हो सकता है, तो आपको इसका काम 2025 से 2026 के बीच में पूरा होते हुए दिख सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर लगा होगा तो प्लीज इस चैनल सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।